टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समन पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम आज मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पहुंचे। ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कानून को मानने वाले हैं, इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका पूरा ईमानदारी से वे जवाब देंगे। उनके साथ ये भी कहना है कि वे गलत नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। बता दें कि ईडी कार्यालय में टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व से गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम भी रिमांड पर हैं। उनसे आज पूछताछ का सातवां दिन है। बता दें कि दोनों से संबंधित ठिकानों से पिछले दिनों ईडी ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी। समय एक दिन मिला, जितना हो सके हम लेकर आए, हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम आलमगीर जी ये लोग पहले से जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप आपस में बिठा कर आमने सामने कुछ करें, वो तो तैयार है आप, वो उनके लिए उनका जो है जो भी उनका ये रहेगा आप जवाब देंगे।